मैं गुनाहकार था, बेअमल था, मगर मुस्तफा ने मुझे जन्नती कर दिया। मैं गुनाहकार था बेअमल। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जनाब ये पूछते हैं कि जिस जानवरों की कुर्बानी जायज है, उन जानवरों के नाम बताएं और उन जानवरों की उम्र बताएं। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो याद रहे कि जिन जानवरों की कुर्बानी जायज है, फतवा आलमगीरी शरीफ में आता है कि ऊंट, ऊंटनी, गाय, बैल, भैंस, बकरी, खस्सी, भेड़ और दुम्बा, इन तमाम जानवरों की कुर्बानी जायज है। और जिन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं, इंशाल्लाह तबारक तआला हम दूसरी क्लिप में उसका जवाब देंगे। अब इन जानवरों की उम्रों के ताल्लुक से समात फरमा लें। एक मरतबा और समात फरमा लें। जिन जानवरों की कुर्बानी जायज है, ऊंट, ऊंटनी, गाय, बैल, भैंस, बकरी, खस्सी, भेड़ और दुम्बा, ये तमाम जानवरों की कुर्बानी जायज है अजरुए शरा। अब इन जानवरों की उम्रें भी समाज फरमा लें। फतवा आलमगीरी शरीफ, दुर्र मुख्तार और फतवा रिजविया शरीफ में यह बात मौजूद है कि ऊंट नर हो या मादा हो 5 साल का होना चाहिए, गाय भैंस नर हो या मादा हो 2 साल की होनी चाहिए और बकरी खस्सी 1 साल के होना जरूरी है। इन जानवरों की उम्रों में से अगर 1 दिन भी कम है तो फिर इन जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं होगी। और दूसरा मसला भी समाप्त फरमा लें। दुम्बा और भेड़, अगर इनकी उम्र 1 साल की भी नहीं है लेकिन अगर ये देखने में, अगर ये जैसे 6 माह का अगर बच्चा है, दुम्बा है या भेड़ है, अगर इनकी उम्र 1 साल नहीं है लेकिन देखने में 1 साल के नजर आते हैं, 6 माह के हैं या 8 माह के हैं लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि 1 साल के हैं या 1 साल से जायद है, तो फिर इनकी कुर्बानी जायज है। और दूसरी बात यह कि कुर्बानी के बकरे की उम्र 1 साल का होना, 1 साल का होना जरूरी है लेकिन बाज अहबाब उसके दांत तलाश करते हैं, यानी बाज लोग उसके दांत भी देखते हैं और अगर दांत ना निकले हुए हों तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं करते। याद रहे कि कुर्बानी के बकरे की उम्र साल भर का होना यह जरूरी है, दांत का निकलना यह जरूरी नहीं है। जिस बकरे की उम्र वाकई 1 साल मुकम्मल हो, अगरचे दांत निकले ना हुए हों तो भी उसकी कुर्बानी जायज है, इसलिए कि कुर्बानी जायज होने के लिए 1 साल का होना जरूरी है, दांत का निकलना यह शर्त नहीं है। एक और मसला समाज फरमा लें। गाय की उम्र 2 साल या उससे जायद हो जाए, अगरचे उसके सींग ना निकले हुए हों तो इसको भी मायूब समझा जाता है, लेकिन ये बात याद रहे कि गाय की उम्र अगर 2 साल है या उससे जायद है, अगरचे उसके सींग ना निकले हुए हों तो भी उसकी कुर्बानी जायज है, इसलिए कि 2 साल का पाया जाना ये शर्त है, सींग का निकलना ये जरूरी नहीं है। ये कुछ मसाइल थे जो मैंने आपके सामने रखे। इंशाल्लाह तबारक व ताला अगर आपके मजीद कुछ मसाइल हैं, कुछ मालूमात करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप राबता कर सकते हैं। इंशाल्लाह तबारक ताला जल्द से जल्द उसका जवाब दिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि आपके जवाब जल्द से जल्द दिए जाएं। या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल हमारा आपके स्क्रीन पर मौजूद है, उस ईमेल पर भी आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह तबारक ताला जल्द से जल्द जवाब दिए जाने की कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कहने सुनने से ज्यादा अमल सवाले करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मजीद ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल सैयद साजिद पाशा कादरी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।